हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत करने वाले हैं आईपीएल 2021 के मैच नंबर 54 की, जो कि खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिए। पर उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको विराट क्रिकेट टिप्स का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आपको इस आईपीएल में मैच, सेशन और टॉस की सबसे बढ़िया रिपोर्ट चाहिए हो तो इन्हें मैसेज कीजिए, या आपको मैच की विनर टीम देंगे, साथ में सेशन और टॉस भी देंगे। इनका काम बहुत जबरदस्त है, इनकी टीम बिल्कुल सही होती है। तो जाइए नंबर डिस्क्रिप्शन में, एक बार मैसेज करके देखिए, आपको इनका काम जरूर से पसंद आएगा। तो भाइयों, पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला जीता था और उसके चलते अभी ये मुकाबला इनके लिए सीधा प्लेऑफ्स के लिए एक रास्ता है। ये मुकाबला जीत गए तो ये सीधा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। पिछले मैच में उन्होंने एसआरएच को हराया था, उस मैच में बॉलिंग में टीम ने बहुत जबरदस्त काम दिखाया था। टीम साउदी ने दो विकेट निकाले थे, वैसे लॉकी फर्ग्यूसन जब से इंजर्ड हुए हैं उसके बाद से टीम साउदी ने ज्यादा फर्ग्यूसन की कमी खेलने नहीं दी है। शिवम मावी को भी दो विकेट मिले थे, वरुण चक्रवर्ती को भी दो विकेट मिले थे, और एज अ यूनिट केकेआर का बॉलिंग में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। उसके बाद बैटिंग में शुभमन गिल ने मैच को देखते हुए काफी अच्छी पारी खेली थी, पर नीतीश राणा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए थे, उन्होंने बीच में मैच फंसा भी दिया था। पर एंड में कार्तिक ने कुछ अच्छे शॉट लगाए थे और केकेआर मुकाबला जीत गई थी। वैसे केकेआर अगर ये मुकाबला हार जाता है तब भी वो क्वालिफाई कर सकता है, उसके लिए उन्हें उम्मीद लगानी पड़ेगी कि मुंबई इंडियंस और एसआरएच का जो मैच नंबर 55 होने वाला है उसमें सनराइजर्स मुंबई को हरा दे। पर उसके ऊपर केकेआर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये मुकाबले में राजस्थान को हरा देता है तो फिर तो ये सीधा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो किस्मत इनकी अपने हाथों में है। इस मैच में केकेआर की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मुझे लगता है केकेआर कोई भी चेंज करेंगे और इन्हें करना भी नहीं चाहिए। पिछले मैच में शकीब अल हसन को इन्होंने खिलाया था, जो कि काफी अच्छा निर्णय साबित हुआ, और इस मैच में भी मुझे लग रहा है वो उसी टीम के साथ जाएंगे, काफी अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इनके अपोनेंट्स राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो पिछले मैच से पहले तक इनके भी हाथों में अपनी किस्मत थी, पर पिछले मैच में एमआई के खिलाफ हार के बाद से अब इनके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। बस मैथमेटिकल चांस है, इन्हें कोई चमत्कारी चाहिए होगा तब ये क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछले मैच में बैटिंग में बहुत बड़ा कोलैप्स हमें देखने को मिला था, शुरुआत में एवन लुइस ने अच्छी शुरुआत दी थी, यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, पर उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते ही गए, कोई भी बल्लेबाज एक अच्छी पारी नहीं खेल पाया, बहुत बुरा बैटिंग कोलैप्स हमें देखने को मिला था। 92 रनों पर राजस्थान की टीम सिमट कर रह गई थी और उस टारगेट को डिफेंड करना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला था, पर फिर भी बॉलिंग में मुस्ताफिजुर रहमान को एक विकेट मिला और चेतन साकरिया को भी एक विकेट मिला, पर दोनों ही काफी एक्सपेंसिव रहे थे। तो अब यहां से राजस्थान के क्वालिफाई करने के चांसेस सिर्फ मैथमेटिकल ही है, प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली राजस्थान का क्वालिफाई करने का कोई भी चांस अब यहां से नहीं है। पर फिर भी ये टूर्नामेंट का अपना आखिरी मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट को एक अच्छे नोट पर फिनिश करना चाहेंगे। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो लास्ट मुकाबला है, तो हो सकता है राजस्थान कुछ खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहे, हो सकता है कि हमें कई सारे प्लेइंग 11 में चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे इस सीजन राजस्थान की बैटिंग ने ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बॉलिंग तो सबको ही पता था कि जोफ्रा आर्चर के बिना राजस्थान की बॉलिंग उतनी मजबूत नहीं है, पर बैटिंग में ओपनर्स एवन लुइस और यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को छोड़ दे तो बाकी मिडल ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरा रहा है। और केकेआर भी वैसे इसी चीज का फायदा उठाना चाहेंगे, ओपनर्स को जल्दी आउट कर दीजिए, उसके बाद आपके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान होगा। पर एवन लुइस और यशस्वी जायसवाल अगर ज्यादा समय के लिए खेल गए तो केकेआर के लिए दिक्कत बढ़ा सकते हैं। इस मैच के लिए ड्रीम 11 टीम का कैप्टन मैं बना रहा हूं वेंकटेश अय्यर को, वाइस कैप्टन आप शुभमन गिल को भी बना सकते हैं, शकीब अल हसन भी अच्छे ऑप्शन होंगे, या फिर एवन लुइस को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये मैच खेलने वाला है शारजाह में, ग्राउंड छोटा है पर पिच बहुत ज्यादा स्लो है। पिछले मैच में राजस्थान और मुंबई के मैच में यहाँ पे राजस्थान 92 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे ग्राउंड होने का ज्यादा टीमें फायदा नहीं उठा पा रही है। लो स्कोरिंग मैच होगा, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से केकेआर ज्यादा बेहतर टीम है, बस इन्हें खतरा होगा राजस्थान की ओपनर्स और संजू सैमसन इन तीनों से, बाकी तो मेरे ख्याल से केकेआर को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा मैच प्रेडिक्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, बाकी आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।